श्रावण मास के पवित्र पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नन्हेश्वर महादेव मंदिर से सिरवेल महादेव मंदिर तक 42 किलोमीटर की पैदल कावड़ यात्रा 7 अगस्त सोमवार को विधायक केदार सिंह डावर के नेतृत्व में निकाली जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए विधायक केदार सिंह डावर ने बताया कि श्रद्धा कावड़ यात्रा समिति के तत्वावधान में पिछले 10 वर्षों से लगातार नन्हेश्वर महादेव मंदिर से सिरवेल महादेव मंदिर तक एक दिवसीय पैदल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 7 अगस्त सोमवार को सुबह 7 बजे नन्हेश्वर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके रवाना होगी और 42 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके शाम 5 बजे सिरवेल महादेव पहुंचेगी। यहां पर भी क्षेत्र और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति व अच्छी बारिश की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अभिषेक किया जाएगा। इसमें संपूर्ण भगवानपुरा विधानसभा से 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। इस यात्रा को लेकर विधायक मित्र मंडल द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कावड़ यात्रा कब से कब तक निकाली जाएगी? कावड़ यात्रा जो हमारे 7 अगस्त तक रहेगी, नन्हेश्वर महादेव से सिरवेल महादेव तक, जो सालाना हम एक भगवान शिव के नाम से श्रद्धा के अनुरूप हम निकाल रहे हैं। और ये हमारा इस वर्ष ये 7वां वर्ष है और मैं सभी शिव भक्तजनों से निवेदन करना चाहूँगा जो इस आदिवासी क्षेत्र के भगवानपुरा ब्लॉक के ये दुर्गम पहाड़ियों पे जो शिव भगवान विराजित हैं, उनका इस कावड़ यात्रा में शामिल होकर दर्शन लाभ लें। और कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हैं हम? 42 किलोमीटर है, एक दिन की यात्रा है और यह 7वां वर्ष है। सभी शिव भक्त इसमें बिल्कुल श्रद्धा भाव से। इस बार कितने शिव भक्त शामिल होने की संभावना है? इस बार हमारे 10,000 लोगों का उसमें शामिल होने का रखा है और लगभग हो भी जाएंगे। सभी भक्तजन फोन पे और व्यक्तिगत तौर से मिलके इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली जाती है? नन्हेश्वर महादेव भगवानपुरा से सिरवेल महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।